को मिल चुका है भाई एक टाटा का इतना बड़ा वाला ट्रक। इस ट्रक के नीचे से निकालेंगे। Hey guys, welcome back to the Chatpat Toy TV. मेरा नाम है रेहान। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई कम प्राइस में एक वाटर प्रूफ कार खरीदने के लिए। यहाँ पर मैंने खरीदी है कम प्राइस वाली वाटर प्रूफ कार। ये एक बहुत ही फास्ट तरीके से चलने वाली वाटर प्रूफ कार है। यहाँ पे देख सकते हो आप IPX4 वाटर प्रूफ लेवल इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो भाई आपको पता होगा मेरे पास एक और वाटर प्रूफ कार भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये है X-Max वाटर प्रूफ कार। इसको अपन ने बहुत ज्यादा पानी में टेस्ट किया था। कार बहुत ही अच्छी तरीके से अभी भी काम कर रही है। यहाँ पर है मेरे पास ईशिन E80 11। आज इन दोनों की फाइट अपन कराने वाले हैं अपनी वाटर प्रूफ कार के साथ। चलो दोस्तों फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका बाय लिंक दे दिया है। इस कार को मैंने खरीदा है 5,000 रुपीज में। तो सबसे ऊपर अपने को एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बैटरी भाई साहब 7.4 वोल्ट की 30C बैटरी दी गई है। बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जर भी है। लाइपो बैटरी मिल जाती है अपने को इसके अंदर। यहाँ पर है गाइस इसका रिमोट देख सकते हो। और ईशिन E80 11 का भी रिमोट बिल्कुल इसी तरह का दिखाई देता है ईशिन E80 11 के साथ। इसको मैं आपको कंपेयर भी करके बताने वाला हूं। देता हूं साइड में अभी। फटाफट से यार अपनी कार निकाल लेते हैं, देखते हैं भाई कार की क्वालिटी वगैरह कैसी है और इसके व्हील्स और इसके अंदर कौन सी मोटर दी गई है। तो भाई ये है अपनी कार। ओ माय गॉड, देखने में काफी ज्यादा शानदार दिखाई दे रही है भाई। पूरी की पूरी कॉपी है यार ये तो ईशिन E80 11। एक फर्क यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इसका जो ऊपर वाला कवर है ना यार, ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। ईशिन E80 11 में इसका कवर ट्रांसपेरेंट होता नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो तीनों कार्स को मैंने रख दिया है साइड बाय साइड। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यार तीनों का साइज बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है। ऑलमोस्ट जो अपनी ईशिन E80 11 है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ, वाटरप्रूफ स्पिरिट कार है। ऑलमोस्ट सेम टू सेम दिखाई देती है। जस्ट यहाँ पर इसका जो ऊपर का कवर है ना यार, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। आगे से, पीछे से और साइड से भी देखो यार, ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही दिखाई देती है। अभी ये जो अपनी रेमो X-Max वाटरप्रूफ है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। इसको भाई काफी ज्यादा पानी में डुबोकर अपन टेस्ट भी करने वाले हैं। देखते हैं भाई क्या ये जो कार है सच में वाटरप्रूफ भी है या फिर नहीं। तो ऊपर का कवर हटा लिया है मैंने। अंदर की तरफ देख सकते हो यार, यहां पर मिलती है भाई इसकी मोटर। मोटर काफी ज्यादा तगड़ी दी गई है। फट से एक बार मैं यार इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो ऑलमोस्ट जो है अंदर की तरफ से भी दोनों कार्स बिल्कुल सेम टू सेम ही दिखाई देती है, पर ये वाटरप्रूफ है नहीं। अगर इसको पानी में डालेंगे तो भाई इसका हो जाएगा सत्यानाश। इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो यार बैटरी डालने के लिए भाई कुछ अलग ही सिस्टम दिया होता है। दो बैटरीज अपने को इसके अंदर डालनी पड़ती है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये देख सकते हो ये है भाई इसकी बैटरीज। इसके अंदर इस तरह की बैटरीज डालनी पड़ती है। चलो तो फटाफट से चलते हैं बाहर, कराएंगे भाई तीनों के बीच में फाइट, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, मैं भी आ चुका हूँ बाहर। यहाँ पर देख सकते हो यार अपनी जो स्पिरिट आरसी कार है, क्या ही गजब का लुक है भाई साहब इसका, एकदम ऑसम दिखाई दे रही है कार। इसके साइड में मैंने ईशिन E80 11 भी रख दिया है। तो फटाफट से भी स्पिरिट को एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं इसका रिमोट और ब्रेक्स वगैरह किस तरह से काम कर रहे हैं। ब्रेक्स तो आप खुद देख सकते हो और क्या ही जबरदस्त तरीके से ब्रेक्स लग रहे हैं। रिमोट बहुत ही ज्यादा इसका ऑसम दिया हुआ है। चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है यार इस कार को। ईशिन E80 11 को भी थोड़ा सा चला के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी जो कार है ना एकदम मस्त तरीके से चलती है। यहाँ पे कराएंगे दोनों के बीच में रेस, देखते हैं भाई रेस में कौन जीतेगा, ईशिन या फिर स्पिरिट आरसी कार। दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली आजू बाजू में चल रही है। दोनों की स्पीड मेरे को सेम टू सेम ही यहाँ पे लग रही है यार। चलो अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लेते हैं भाई साहब। जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई है, यहाँ पे देखो यार ईशिन भाई दो कुलाटी मारकर आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पे अभी दोनों एग्जैक्ट आजू बाजू में ही चल रही है यार। दोनों की स्पीड मेरे को बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो भाई रेस में दोनों ही जीत चुकी है। यहाँ पर दोनों के बीच में हो चुका है दोस्तों। ओके तो गाइस, यहाँ पर अपने को मिल चुका है भाई एक टाटा का इतना बड़ा वाला ट्रक। इस ट्रक के नीचे से निकालेंगे अपनी स्पिरिट आरसी कार को। देखते हैं भाई ये निकल पाती है नहीं। अबे भाई ये क्या हो गया यार, ये तो पीछे के टायर में जाकर अड़ चुकी है। तो एक काम करते हैं, सेम टेस्ट करते हैं अपन ईशिन कार के साथ। देखते हैं ईशिन कार ट्रक के नीचे से निकल पाती है या नहीं। यहाँ पे मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। ओके तो स्टेबल चलने के मामले में ईशिन कार जो है ना भाई ट्रक के नीचे से काफी सही तरीके से निकल चुकी है। यहाँ पे जीत चुकी है अपनी ईशिन कार। चलो गाइस अभी फटाफट से अपन कराते हैं दोनों के बीच में आमने सामने वाली फाइट, कराएंगे पुशबैक। दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है। ओ माय गॉड, ईशिन ने टक्कर मारकर भाई मेरे को भी टक्कर मार दिया। सीधा सीधा कैमरा पर चढ़ चुकी थी ये।
एक और बार पुशबैक कराते हैं भाई, अभी बिल्कुल है, दोनों को एकदम आमने सामने मैंने रख दिया, यहाँ पे देख सकते हो। और ईशिन कार ने भाई स्पिरिट कार को थोड़ा सा पीछे ढकेल दिया था, वापस से यहाँ पे स्पिरिट ने भाई धक्का मारकर हटा दिया है ईशिन को। यहाँ पे दोनों के बीच में पावर बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों के बीच में टाई हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे कराएंगे दोनों के बीच में ऑफ रोड रेस, देखते हैं भाई रेस में कौन जीतेगा पूरी तरीके से। भाई एकदम ऊबड़ खाबड़ जमीन है यहाँ पर, अपनी ईशिन कार देखो यार क्या ही जबरदस्त तरीके से आगे निकल चुकी है भाई। ऑफ रोड रेस के मामले में ईशिन कार जीत चुकी है यहाँ पर इस रेस को। अभी कराएंगे दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, दोनों के बीच में एकदम तगड़ी वाली रस्सी मैंने बांध दिया, देखते हैं भाई यहाँ पे कौन सी कार जीतेगी। भाई स्टार्टिंग से ही देखो यार अपनी जो ईशिन कार है ना स्पिरिट कार के ऊपर भारी पड़ती हुई मेरे को लग रही है। भाई देखो क्या ही खतरनाक तरीके से इसको घसीट के लेके जा रही है। ओ माई गॉड यार, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ईशिन कार जो है इतनी ज्यादा पावरफुल होगी टग ऑफ वॉर के मामले में। भाई रुक जाओ, कितनी दूर तक इसको घसीट के लेके जाओगे भाई, स्पिरिट की बेइज्जती करा दी पूरी तरीके से यहाँ पर। इसके अंदर देखो यार कितनी ज्यादा मिट्टी भर चुकी है। ओ माय गॉड, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ भाई ये जो कार है ना कितनी दूर तक कार को घसीट के लेके आ चुकी है। देखो यार मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई कोई कार इतनी दूर तक इसको घसीट के लेके गई है। तो यहाँ पे क्लियरली जीत चुकी है अपनी ईशिन आरसी कार। फटाफट से दोनों को पत्थरों पर से भी चला के देख लेते हैं भाई कौन सी कार पत्थरों पर से मस्त तरीके से चल सकती है। सबसे पहले चलाते हैं स्पिरिट को यहाँ पर। यार टग ऑफ वॉर होने के बाद में देखो यार स्पिरिट कार के अंदर कुछ दिक्कत आ चुकी थी भाई, इसके पीछे का जो एक व्हील है ना सही तरीके से घूम नहीं रहा है, पर इसने पत्थरों पर से काफी अच्छी तरीके से क्रॉस कर लिया है। अभी सेम टेस्ट करते हैं ईशिन के साथ, ईशिन ने भी काफी सही तरीके से भाई पत्थरों पर से क्रॉस कर लिया है। तो अभी दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है। अभी करेंगे यहाँ पर अपन वाटर टेस्ट भाई, ईशिन कार को अपन रखते हैं साइड में क्योंकि ये वाटर प्रूफ है नहीं। यहाँ पे करेंगे अपन रेमो एस मैक्स वर्सेस स्पिरिट आरसी कार का टेस्ट। यहाँ पे देखो यार एक गड्ढा है, गड्ढे के अंदर बहुत ही ज्यादा वाटर है। सबसे पहले स्पिरिट को मैं आपको चला के बता देता हूँ। स्पिरिट देखो यार ऑलमोस्ट इसकी जो बैटरी है वहां तक डूब चुकी है पूरी तरीके से, कार बहुत ही परफेक्ट तरीके से गड्ढे के अंदर से निकल चुकी है भाई, इसको कुछ हुआ नहीं, परफेक्ट तरीके से काम कर रही है अभी भी। तो सेम टेस्ट करते हैं रेमो एस मैक्स के साथ, इसको भी गड्ढे के अंदर मैंने उतार दिया है, बहुत ज्यादा पानी है इस गड्ढे के अंदर देख सकते हो यार, ऑलमोस्ट अपनी आधी कार जो है यहाँ पे डूब चुकी है। इसके अंदर एक दिक्कत भी आ चुकी है भाई, इसको मैं लेफ्ट को लेके जा रहा हूं पर ये लेफ्ट को आ नहीं रही यार, ये पूरी तरीके से राइट को ही जाए जा रही है। इसकी स्टीयरिंग अपने आप ही राइट को जा रही है यार, यहां पे देख सकते हो इसके अंदर एक दिक्कत लगी मेरे को। तो भाई मेरे को लगता है इसका जो सर्वो है इसके अंदर मिट्टी आ चुकी है। अभी कार भी काम नहीं कर रही है, सिर्फ इसकी स्टीयरिंग काम कर रही है। तो एक काम करते हैं भाई, इसके अंदर का सारा पानी एक बार निकाल देते हैं, वापस से एक बार इसको चेक करेंगे। अच्छा तो इसके मोटर में कुछ कंकर वगैरह फंस गए थे गाइस, मैंने निकाल दिया है। अभी देखो अपनी कार जो है मस्त तरीके से काम कर रही है, वापस से मैंने इसको पानी के अंदर डाल दिया, वापस से वही दिक्कत आ रही है यार। देखो कार जो है अपने आप ही राइट के तरफ मुड़े जा रही है, ये एक दिक्कत लगी यार रेमो एस मैक्स के अंदर। वापस से ये कार बाहर आ चुकी है गड्ढे के अंदर से। ये भी जो कार है ना परफेक्ट वाटर प्रूफ है, अपनी स्पिरिट भी परफेक्ट वाटर प्रूफ कार है। यहाँ पे करते हैं लाइट टेस्ट, रेमो एस मैक्स के अंदर लाइट दी गई है, मस्त हेडलाइट है भाई इसकी। तो यहाँ पे देख सकते हो अपनी ईशिन कार के अंदर भी दो हेडलाइट दी गई है, पर स्पिरिट कार के अंदर कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको तीनों कार्स में से कौन सी कार पसंद आई। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है कौशिक, अभिषेक, शरीफ, निखिल, कीर्तिमान, अरीब, लकी, जोबनप्रीत, उजैद। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।